राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एक आई ऐप लॉन्च किया है। इस लॉन्च कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड पुलिस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। उत्तराखंड पुलिस ने एक ई ऐप लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही चालान को पारदर्शी बनाने के लिए ई चालान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मौके पर इंटरसेप्टर पुलिस वाहन और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को बेहद जरूरी बताते हुए कहा कि हमारा प्रदेश एक पर्यटन प्रदेश है, यहाँ देश विदेश से पर्यटकों का दबाव बना रहता है और पिछले 3 वर्षों में ट्रैफिक व्यवस्था को काफी बेहतर किया गया है। पुलिस की मुस्तैदी से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है, लेकिन अभी भी जागरूक होने की जरूरत है, जिसको देखते हुए राजधानी देहरादून के लिए अतिरिक्त 20 ऐसी गाड़ियां दी जाएंगी और ऐप के जरिए भी ट्रैफिक नियम लागू कराने का काम किया जाएगा। मैं प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा कि हम यातायात के नियमों का पालन करें। अगर हम अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को भी हम इसके बारे में समझाएं। जो नाबालिग बच्चे हैं उनको हम व्हीकल न दें, लाइसेंस पर ही हम गाड़ी चलाएं, ताकि हम तमाम तरह की जो असुरक्षा रहती है, दुर्घटनाएं हैं, उससे हम बचें। आई ऐप के जरिए उत्तराखंड पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था पर तो नजर रखेगी, साथ ही इस ऐप के जरिए ई चालान की व्यवस्था भी की गई है।